प्रभु जी इसमें ना हमारे मतलब सारे क्षत्रियों में बहुत से वैष्णव हुए हैं, बहुत से सिद्ध पुरुष हुए हैं, बहुत ऊंची ऊंची अवस्थाएं प्राप्त की है भक्तों ने, बहुत ऊंचे गए हैं और भगवान की प्रसन्नता के लिए बहुत कार्य किए हैं, लेकिन ये विलक्षण ही थे ध्रुव महाराज जो मृत्यु के सर पे पैर रख के गए, ऐसा वृत्तांत किसी और के साथ नहीं है, वृत्तांत बहुत बहुत भक्त है, तो ये ऐसे क्या मतलब विशेषता थी और क्या उन्होंने कैसे क्या कैसे पापाएं पूछी? सभी भक्तों के साथ ऐसा ही होता है। एक्चुअली में आप गरुड़ पुराण पढ़िए, गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है कि जब भगवान का कोई भक्त, उसमें बताया गया है जो पापी है उसको यमदूत है घसीटते हुए लेके जाएंगे, उसको चल बे उसको मारते पीटते गाली गलोच करते हुए उसको लेके जाते हैं, जमीन भी लाल सुर्ख होती है और ऊपर से सूरज की तपिश भी पूरी होती है, प्यास लग रही होती है, गला सूख रहा होता है, पानी नहीं देते, गाली गलोच ऊपर से और करते हैं, मर मर सार कड़ी गालियां गलोच देते हैं उसको, तूने क्या किया जिंदगी भर, अब तू पानी मांग रहा है हमसे, शर्म नहीं आती तेरे को, पीटते हैं उसको। दूसरा रास्ता बताया है जो धर्मात्मा होते हैं उनको, ये जो एंजल्स होते हैं उनको लेके जाते हैं मान सम्मान के साथ, यमपुरी लेके जाते हैं, वहाँ से यमराज जी उनको स्वर्ग लोकों में भेज देते हैं। जो दुष्ट हैं पहले उनको, पहले तो रास्ते में मार खाते हुए पिटते हुए जाते हैं, फिर यमराज जी रौद्र रूप में मिलते हैं और फिर उनको बड़ी डांट पिला के उनको बहुत गुस्सा करके उनको नरक विभिन्न नरकों में उनके कर्मों के अनुसार भेज देते हैं। लेकिन तीसरा रास्ता भी है भगवत धाम जाने का, जो भगवान के धाम जाता है उसमें तो यमलोक आता ही नहीं है, वहाँ से उसके यमलोक के पास से निकलते हुए चले जाते हैं वो। तो जैसे यमराज जी को पता चलता है कोई जा रहा है, यमराज जी तुरंत अपने सिंहासन से खड़े हो जाते हैं और जाके प्रणाम करते हैं उस जाते हुए भक्त को और उनको बोलते हैं प्लीज़ भगवान को मेरी तरफ से भी दंडवत लगा दीजिएगा। ये यमराज जी का समाचार है। आपका प्रश्न क्या था? प्रश्न नहीं भूल गया आपका प्रभु जी, जिज्ञासा ये थी कि प्राचीन काल से ही जैसे चार चतुर्युग हुए हैं, बहुत सारे भक्त हुए हैं, बहुत उन्नत उन्नत भक्त हुए हैं, अवस्थाएं भी प्राप्त की हैं, बहुत भगवान को सुखी किया आपकी भक्ति से, तो ये वृत्तांत तो हम तो ध्रुव महाराज के देखते हैं कि मृत्यु के साथ। ओके, तो आप देखेंगे कि यमराज जी खुद सामने से दंडवत लगाते हैं जो भगवत धाम जा रहा होता है। तो हर भक्त जो भगवान के धाम जाएगा वो मौत पे विजय प्राप्त करके जाएगा, मौत के सिर पे पैर रख के जाएगा। सो हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रश्न ये है कि ना वो सहस्त्री जा रहे हैं ना, क्वेश्चन वो है कि सब लोग आपको धाम तो जा रहे हैं। नहीं, ये आपका प्रश्न है, ये आपका प्रश्न है। वो सह शरीर में भी ऐसा है कि यहाँ पर बताया गया कि उनका शरीर बदल गया था, सोने के समान चमकना शुरू हो गया था और उनका शरीर यहीं पर बैठे बैठे आध्यात्मिक हो गया था उनका शरीर। अब भगवान के लिए कुछ भी संभव है, भगवान कुछ भी कर सकते हैं, भगवान को अच्छा लगेगा, भगवान हमें भी ऐसे ही ले जाएंगे और भगवान को लगेगा कि भगवान और सुंदर आपको कोई रूप देंगे, भगवान उसमें ले जाएंगे, भगवान की इच्छा पे निर्भर करता है। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि चेंज होके ही रहेगा या नहीं चेंज होगा, जैसे भगवान को अच्छा लगेगा वैसे ही कर लेंगे। दोनों तरह के उदाहरण हमें मिलते हैं, दोनों तरह के उदाहरण मिलते हैं हमें। एक पांडवों से जो मिलता है उनके कैसे ये आपको कोई समझेगी? महाभारत में तो देखें तो पांडवों ने तो अपना शरीर धीरे धीरे यहाँ पे छोड़ ही दिया था उन्होंने, जब वो चढ़ रहे थे हिमालय पे, तो जाना हो जा भी सकते हैं और रुकना हो रुक भी सकते हैं, चेंज भी हो सकते हैं शरीर और नए भी चेंज हो सकते हैं, दोनों में से कुछ भी हो सकता है।
हमें उसके बारे में ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। हमें चिंता ये करनी चाहिए कि जब हम जाएंगे तो हम जिन्होंने हमें भक्ति में सहायता किया उनको उनका नाम याद कर लेंगे बस। इस बारे में चिंता कीजिए, ये बात रोज़ सोचा कीजिए बार बार कि जब जाएंगे तो ये लिस्ट है पूरी डिवोटीज़ की, इनको भी याद करेंगे पुष्पक विमान में बैठ के। ये बहुत महत्वपूर्ण सेवा है आप लोगों की। आप चाहे हमें प्रसाद खिलाएं ना खिलाएं, बस नाम याद कर लेना हमारा वहाँ पे तो बात बनेगी, तो हम भी आपकी जय जयकार बोलेंगे, फिर हम भी आपकी जय जयकार बोल लेंगे।